पिछले दिनों अमरिंदर सिंह ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी को पीएम के रूप में नहीं देखना चाहते। इस बात से अडवाणी जी काफी खुश थे और उन्होंने फेसबुक पर अमरिंदर सिंह को फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। यही नहीं, सेन ने बिहार के इकोनॉमिक मॉडल को गुजरात से अच्छा बताया है। शायद सेन को पता नहीं, लेकिन बिहार का इकोनॉमिक मॉडल है स्पेशल स्टेटस का डिमांड और पटना लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस का टिकट। लेकिन इससे उनको इतना न्यूज कवरेज मिला जितना नोबेल जीतने के बाद भी नहीं मिला था। हाँ। उनके स्टेटमेंट से पूरे देश में बवाल मच गया, और पूरे देश से मेरा मतलब है ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स। आधी इंडिया इसमें परेशान थी कि ये इकोनॉमिक मॉडल है क्या चीज, और आधी ये कि अमरिंदर सेन है कौन। ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि अमरिंदर सेन को पता नहीं था कि इंडिया में ओपिनियन का हक सिर्फ दिग्विजय सिंह को है। अब इतने बड़े इकोनॉमिस्ट होने का भी बहुत ये नुकसान है, अपने हर स्टेटमेंट को एक ऐसे लिख के सपोर्ट करना पड़ता है जबकि उसका सीधा आंसर है हाँ बोला मैंने, जो उखाड़ ना उखाड़ ले गांडू जा। वैसे अमरिंदर सेन के स्टेटमेंट से कांग्रेस काफी खुश है क्योंकि उसे लग रहा है कि सेन राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं, क्योंकि अमरिंदर सेन ने मोदी के बारे में सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि उन्हें पता है राहुल गांधी के पीएम बनने का कोई चांस नहीं है, बेवजह मुंह क्यों खोलना। हाँ, और वैसे भी अमरिंदर बाबू इज मैरिड टू अ रॉथचाइल्ड, हाँ द रिचेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम उनको गाली दो या ताली दो, हिज बैंक अकाउंट इज सेफ फ्रॉम ऑल इकोनॉमिक मॉडल। अब ये सुनो, कांग्रेस के एक राज्यसभा एमपी ने कहा कि राज्यसभा की सीट जो है वो 100 करोड़ में मिल जाती है। और नहीं तो क्या, उन्होंने 80 करोड़ में खरीदी, 20 करोड़ प्रॉफिट हो गया, बचा लिया उसे। ऑफ सीजन सेल में खरीदा होगा है? तभी डिस्काउंट मिला 20%। अब समझ में आया सचिन रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहा था, राज्यसभा सीट के लिए पैसे जमा करने में पूरा करियर निकल गया। वैसे 100 करोड़ राज्यसभा की सीट के लिए है, 100 करोड़ मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं है कि हाउस में मेगन फॉक्स आपको स्ट्रॉबेरी खिलाएगी अपने हाथ से, हाँ, या फिर घर में बैठ के वॉकआउट कर लोगे। हालांकि बीजेपी ने इस स्टेटमेंट को घटिया बताया और कहा इससे लोगों में पॉलिटिक्स के बारे में ना खराब मैसेज जा रहा है। हम इससे कम दाम में दे रहे हैं टिकट और वो भी बालकनी वाली। वैसे पंचलाइन की जरूरत नहीं थी, बीजेपी के स्टेटमेंट्स लाफ्टर ट्रैक जैसे ही होते हैं। कितना अच्छा होगा अगर राज्यसभा सीट्स भी फ्लिपकार्ट पे मिलती विद कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन, या फिर लोन देने वाले कॉल करते हेलो सर वी आर गिविंग लोन्स फॉर राज्यसभा सीट्स एट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। बट द बैड न्यूज इज 100 करोड़ रुपए में राज्यसभा की सीट तो मिल सकती है पर IRCTC पे ट्रेन की नहीं। राम गोपाल वर्मा को अपनी अगली फिल्म सत्या 2 के लिए अंडरवर्ल्ड से धमकी भरे फोन कॉल आ रहे हैं। अब तो सरकार को भी रामू को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देना चाहिए। रामू की नेक्स्ट फिल्म में सिनेमा थिएटर से लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराना पड़ेगा। अंडरवर्ल्ड से थ्रेट कॉल की इस न्यूज में सबसे कमाल की बात यह है कि रामू फोन बिल पे करने लायक कमा कैसे लेते हैं। लेकिन फोन कॉल इसीलिए आया क्योंकि सत्या 2 प्रोमो के कुछ डायलॉग्स उन्हें पसंद नहीं आए। भाई लोग, अंडरवर्ल्ड वालों जागो, रामू की आंखों से दुनिया को देखना बंद करो। हाँ, ये 2013 है, RGV की फिल्में सिर्फ आप अंडरवर्ल्ड वाले और रामू देखते हैं, बाकी बहुत सन्नाटा है भाई। अब तो हालत यह है कि पेरेंट्स बच्चों को पॉर्न फिल्म्स की वार्निंग दे या ना दे, रामू की फिल्म से बचने की वार्निंग पहले दे देते हैं। हाँ, यू सी ब्रेन डैमेज इज वर्स देन डिक डैमेज। आफ्टर ऑल रामू का ब्रेन 2006 में डैमेज हो गया है, बट ही स्टिल मेकिंग फिल्म्स व्हिच इज डिक। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, आगे है कैसे मिलेगा मोदी जी को US का वीजा। अब बजाओ, मुंबई की बारिश में छुपने के लिए डांस बार से अच्छी जगह क्या हो सकती है बताओ। ये कोई भरोसा नहीं है, कहीं डांस इंडिया डांस वाले डांस बार में ही एक आध सीजन ना बना दे। BID सुपर मॉम्स 2 बार डांसर्स, हाँ वहां भी एक्सपर्ट कमेंट्स। लिली
स्टार्ट तो अच्छा किया आपने।